हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अभिषेक कुमार, और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। हम इस समय गड़प्पू के जंगल में और जाएंगे अपने घर काशीपुर। तो दोस्तों इधर की साइड बोर्ड लगा देखिए, हाथी क्रॉसिंग का, ये देखिए। तो दोस्तों इस क्षेत्र में हाथी भी अक्सर क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे। तो दोस्तों आज आपको कराते हैं नाइट जंगल ड्राइव। तो चलते हैं, और अभी जंगल है कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का, और अभी पीछे की साइड हमें दिखाई दिया पूरा लोमड़ी का पूरा ग्रुप, और उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे भी थे, और उसके साथ पूरी फैमिली थी। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं। और इधर की साइड अक्सर रात में लेपर्ड भी देखा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या मिलता है इस घने जंगल में। हम आ रहे थे नैनीताल से, और रास्ते में अभी ये 8 से 10 किलोमीटर का जंगल और पड़ेगा, तो हमने कहा नाइट ब्लॉग ही बना लिया जाए। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं इस लेपर्ड टेरिटरी में क्या देखने को मिलता है। और अक्सर इधर की साइड आपको एलिफेंट भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा घना जंगल है, ये काफी खतरनाक है। और चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं, ये जंगल पड़ता है गड़प्पू का जंगल। इधर की साइड बांस के बहुत ज्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं दोनों साइड है बिल्कुल घना जंगल। और ये एक और बोर्ड आया हाथी क्रॉसिंग का, ये देखिए आप। तो दोस्तों इधर की साइड अक्सर रात में हाथी की मूवमेंट भी दिख जाएगी। ये देखिए इधर की साइड बोर्ड लगा है, प्लीज ड्राइव स्लो, एनिमल्स आर क्रॉसिंग। तो दोस्तों ये पूरा घना जंगल है, यहाँ आपको टाइगर भी अचानक देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि हमें आगे क्या देखने को मिलेगा। और इधर की साइड बोर्ड लगा है स्पीड 40 किलोमीटर। तो दोस्तों जंगल में अक्सर आपको देखने को बोर्ड मिल जाएंगे कि अपनी स्पीड रखें 40 किलोमीटर, स्लो ड्राइव, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है कि सामने से अचानक वाइल्ड लाइफ आई और टकराने के ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उसमें उस वाइल्ड लाइफ को भी दिक्कत है और आपको भी चोट लग सकती है। तो जंगल में हमेशा स्लो चलाएं, ज़्यादा तेज ना चलाएं। तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि रास्ते में घने जंगल में क्या देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं दोनों साइड है बिल्कुल घना जंगल, और अभी बाजपुर है 15 किलोमीटर। तो दोस्तों जब तक बाजपुर शहर नहीं आएगा तब तक ये पूरा घना जंगल ही चलेगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि रात के वक्त इस घने जंगल में क्या देखने को मिलता है। दोस्तों यह है गड़प्पू का घना जंगल, और इधर की साइड काफ़ी डेंजर एरिया है, और वो भी खासकर रात के वक्त। और अभी थोड़ी देर बाद इधर बिल्कुल वाहन भी चलना हो जाएंगे बंद। तो दोस्तों इधर की साइड बोर्ड लगा है काशीपुर 40 किलोमीटर, और इधर की साइड पड़ रही है एक चौकी। तो चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में और क्या मूवमेंट वाइल्ड लाइफ की देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, और रात में कभी भी बाइक से ड्राइव ना करें, हमें तो आते हो गए रात में लेट। तो चलते हैं और देखते हैं कि बाजपुर पहुंचते पहुंचते रास्ते में क्या क्या देखने को मिलेगा। तब तक आप करें जंगल को एंजॉय, पर हमारी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी है, और अगर ज़्यादा धीरे धीरे चलाएंगे तो हो सकती है काफ़ी दिक्कत, क्योंकि हमें बाइक पे और बाइक से सफ़र करना हो सकता है काफ़ी खतरनाक। तो चलते हैं और चलते हैं फटाफट, क्योंकि यह है पूरा घना जंगल, और इस जंगल में कुछ भी आपको टाइगर लेपर्ड और एलिफेंट की मूवमेंट भी दिखाई दे सकती है। अभी हमें पीछे पूरा लोमड़ी का पूरा परिवार देखने को मिला। दोस्तों इधर आपको रात में बाइक बहुत कम देखने को मिलेंगी, और पीछे गोल्डन जैकल की पूरी फैमिली भी थी। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि नाम भी ध्यान में नहीं आता। तो चलते हैं और यही दुआ करते हैं कि रास्ते में कोई भी एलिफेंट की मूवमेंट ना दिखाई दे,
क्योंकि सबसे ज्यादा रात में एलिफेंट ही होता है खतरनाक, और टस्कर एलिफेंट तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों ये है पूरा घना जंगल, और इस जंगल को पार करना और भी ज्यादा खतरनाक है। और दोस्तों अभी हमारा जंगल का सफर बचा है 4 से 5 किलोमीटर, और तो जैसे जैसे हम शहर की तरफ जाते जाएंगे वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट और कम होती जाएगी। दोस्तों चलते हैं, और एक और बोर्ड लगा हुआ है एलिफेंट क्रॉसिंग, हो सकता है रास्ते में और भी कुछ वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाए। दोस्तों अभी पीछे की साइड से आ रही थी बहुत ज्यादा बदबू, हो सकता है लेपर्ड ने अपना कोई शिकार मार के इधर की साइड छोड़ दिया हो, तो उससे बाहर की साइड बहुत ज्यादा बदबू सी आ रही थी। दोस्तों निकलते हैं फटाफट और देखते हैं कि हम सेफली पहुंच भी पाएंगे या नहीं। और इधर रास्ते में वाइल्ड बोर भी देखने को मिल जाते हैं, जंगली सुअर। ये देखिए जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं एलिफेंट क्रॉसिंग, क्योंकि ये पूरा जंगल का क्षेत्र है, और इधर की साइड ऐसे बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी बाजपुर बचा है 10 किलोमीटर, और हमें जाना है काशीपुर। बाजपुर से काशीपुर है और 30 किलोमीटर आगे, तो चलते हैं और देखते हैं कि जंगल में क्या क्या मूवमेंट दिखाई देती है। तो देखिए इधर की साइड है मैंने जंगल में मंदिर। दोस्तों ये जंगल है, और इधर नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो ये काफी डेंजर एरिया है, क्योंकि पूरा एरिया पड़ता है घना जंगल, और ये आगे की साइड जिम कॉर्बेट से मिल जाता है। और दोस्तों जानवरों को नहीं पता कि कहाँ से कहाँ का एरिया है और हमें कहाँ जाना है, वो कहीं से भी निकल के आ जाते हैं किसी और जंगल में। तो दोस्तों इधर की साइड से थोड़ी आबादी दिखाई देने लगी। तो इधर की साइड एक रेस्टोरेंट है देसी हवेली, तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं। तो दोस्तों अभी आने लगा आबादी भरा क्षेत्र, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसी जंगल की सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।